नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इसराइल और हमास की जंग से अरब मुल्कों ने मुंह मोड़ लिया है। अरब देश अब पहले की तरह हमास के समर्थन में वैश्विक पटल पर आवाज नहीं उठा रहे, और शायद यही वजह है कि अब आतंकी संगठन हमास को लुटे पिटे कंगाल पाकिस्तान से मदद मांगनी पड़ रही है। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ा हैरानी हुई होगी, लेकिन हमास को अब भिखारी पाकिस्तान का सहारा नजर आ रहा है। और तो और, हमास को यह भी गलतफहमी है कि इसराइल पाकिस्तान की धमकी से डर जाएगा। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY के मुताबिक इस्माइल हानिये ने पाकिस्तान से मदद मांगते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को चेतावनी देगा तो गाजा में क्रूर अपराध बंद हो जाएंगे। इस्माइल हानिये जो हमास के लीडर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बहादुर देश बताया और कहा कि पाकिस्तान से इसराइल काफी डरता है। इसके अलावा जंग में समर्थन की उम्मीद में हानिये ने पाकिस्तान को मुजाहिदीन की धरती बताया है। इस्माइल हानिये ने इसराइल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो ओस्लो समझौते का उल्लंघन कर रहा है। हानिये ने कहा कि इसराइल की कार्रवाई के दौरान करीब 18,000 फलिस्तीनियों की मौत और पवित्र स्थलों के साथ की गई बेअदबी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन थी। हानिये ने आगे फिर ये भी कहा कि दुनिया भर में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं। उसने अंत में अपनी बात को फिर से दोहराया और कहा कि पाकिस्तान की ताकत जंग को रोक सकती है। अब ये पता नहीं कौन सी ताकत, अब पता नहीं हमास को ये ज्ञान किसने दिया है, या वो कहते हैं कि ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसे ही हमास और पाकिस्तान आतंकी आतंकी आपस में भाई भाई हैं। बहरहाल, जंग के बीच गाजा से हमास के सारे नेता भाग चुके हैं। गाजा में नागरिकों की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। इजरायली अधिकारियों ने कबूला है कि उन्हें हमास के एक लड़ाके को मारने के लिए 2 नागरिकों की जान लेनी पड़ती है। इजरायली सैनिकों ने गाजा के नागरिकों को बहुत छोटे से इलाके में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इलाके में अभी तक 17,177 लोग मारे जा चुके हैं। और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नागरिकों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक बार फिर जॉर्डन किंग अब्दुल्ला 2 से बात की है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जंग में हमास के पाकिस्तान से मदद मांगने पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।